माय डियर स्टूडेंट्स, एक और इनकोडिंग जिसको हम बैग ऑफ वर्ड इनकोडिंग कहते हैं, तो इसमें हम पूरे सेंटेंस को इनकोड करते हैं बजाय इसके कि इंडिविजुअल वर्ड को इनकोड करें। तो उस सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं हमारे, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके हम वन लिख देंगे, जो भी वर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ है द ब्राउन और द पिंक, तो अब हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, तो द के लिए हमने पोजीशन वन ले ली, ब्राउन के लिए टू ले ली और पिंक के लिए थ्री पोजीशन ले ली। तो पहला सेंटेंस जो है, अब हमारे पास तीन वर्ड्स हैं तो तीन लेंथ का वेक्टर होगा पहले सेंटेंस के लिए, 1 1 0। इस वन का मतलब है द आ रहा है, इस वन का मतलब है ब्राउन आ रहा है, और ज़ीरो का मतलब है थर्ड पोजीशन पे ज़ीरो है, तो इसका मतलब पिंक नहीं आ रहा है इस जुमले में। इसी तरीके से द पिंक के लिए क्या होगा, द आ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है हमने वन लिख दिया, ब्राउन नहीं आ रहा सेकंड पोजीशन पे ज़ीरो लिख दिया, और पिंक आ रहा है तो थर्ड पोजीशन पे वन लिख दिया। इसको हम बैग ऑफ वर्ड्स इनकोडिंग कहते हैं।